त्रिपुरा के गोमती जिले में एक हिंदू व्यक्ति के घर के सामने एक कटा हुआ गाय का सिर पाया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। यह घटना उदयपुर के सुकांतपल्ली में हुई, जहां मंगलवार सुबह 4:30 बजे कटा हुआ सिर बरामद किया गया। पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। पृष्ठभूमि इस क्षेत्र में इस तरह की घटना का यह पहला मामला नहीं है। इस साल अप्रैल में उत्तरी त्रिपुरा जिले में एक हिंदू निवास के आंगन में गाय का सिर रखने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इन घटनाओं के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनसे स्थानीय लोगों में व्यापक बेचैनी पैदा हुई है। प्रतिक्रिया पुलिस ने आश्वासन दिया है कि स्थिति नियंत्रण में है और ऐसा लगता है कि यह सार्वजनिक अशांति पैदा करने का प्रयास है। स्थानीय भाजपा नेता प्रबीर दास ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी मांग की है कि पुलिस घटना के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान करे और उन्हें दंडित करे। पिछली घटनाएं सितंबर 2021 में त्रिपुरा में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें गोमती समेत कई जिलों में हमले और जवाबी हमले की घटनाएं सामने आई थीं। यह हिंसा सीपीएम द्वारा भाजपा पर कथित हमले के कारण भड़की थी और इससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। जांच पुलिस घटना की जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घटना के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह सांप्रदायिक दरार पैदा करने की कोशिश थी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।